नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शादी के डब्बे से टीएलएम बनाएंगे। इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से घटाना सिखा सकेंगे। डब्बे के एक भाग को लेंगे और उसके चारों तरफ जो उठा हुआ भाग है उसको खोल देंगे और कट करने के बाद देखिए ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ग्लू लगाएंगे और किसी भी कलर का कागज चार्ट पेपर उसमें चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको पलटकर जो ज़्यादा बढ़ा हुआ पेपर था उसको हमने काट लिया है और ग्लू लगा के चारों तरफ से जो बढ़ा हुआ पेपर था उसको मोड़ दिया है, मोड़कर उसको चिपका दिया है अच्छे से। चिपकाने के बाद इसको फिर से हम लोग पलट लेंगे और एक टेप लेंगे, कोई भी आप टेप ले सकते हैं, चौड़ा टेप होना चाहिए। मेरे पास यही टेप था इसलिए मैंने इसको लगाया है। आपके पास चौड़े टेप में जो भी टेप उपलब्ध हो आप लगा सकते हैं। आप टेप के चारों तरफ से आउटलाइन कर देंगे, किसी भी कलर से आप आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन करने के बाद एक किसी भी कलर का एक पेपर लेंगे और उसको इसी तरीके से काट लेंगे और इसी नाप का एक दूसरे कलर का पेपर लेंगे और उसको भी इसी नाप से काट लेंगे और इसको चिपका लेंगे। एक पेपर को ऊपर की तरफ चिपकाएंगे और दूसरे पेपर को नीचे की तरफ थोड़ा सा गैप करके, थोड़ी जगह छोड़कर, फिर ये चिपकाए हुए दोनों पेपरों के किनारे किनारे आउटलाइन करना है। किनारे किनारे लाइन किसी भी कलर से आप आउटलाइन कर सकते हैं। आउटलाइन करने के बाद हमको एक तीर का निशान बनाना है। जिस तरीके से हमने बनाया है ऐसे आपको बना लेना है। फिर एक नीचे की तरफ तीर का निशान बनाएंगे। आप चाहे तो इसको कलर करके ऐसे तीर बना सकते हैं या फिर आप काले कलर के किसी भी कलर के कागज से भी इसको कट करके बना सकते हैं। अब जो तीसरी वाली तीर है इसको हमको दिखाना है बाहर की तरफ। इसको करने के बाद हमने आउटलाइन कर लिया है, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था इसलिए देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए हमने आउटलाइन कर लिया है। और अब दूसरे कलर का एक पेपर लेंगे। आप किसी भी कलर का पेपर ले सकते हैं और ये जो हम कट कर रहे हैं वो आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। आप गोला काट सकते हैं, चौकोर काट सकते हैं, फूल काट सकते हैं, पत्ती काट सकते हैं और स्टार भी काट सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार जो आप कर सकें। और अलग अलग भी काट सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर उसको ये गतिविधि बच्चे करेंगे। हमने चौकोर चौकोर ही काट लिया। इसके बाद देखिए हमने 5 लिखा और 2। अब 5 में 2 घटाना है तो हम पहले 5 टुकड़े लेंगे। हमने 5 टुकड़े ले लिए जो कट किए हैं। इसके बाद
उसमें दो घटाना है, तो उसमें से दो टुकड़ों को हमने बाहर कर दिया, और फिर ये जो तीर नीचे आ रही है उससे तीन टुकड़ों को नीचे ले आए और तीन लिख दिया। और ये जो टेप इसीलिए हमने लगाया है, इसको हम कागज से किसी भी चीज से इरेज कर सकते हैं, ये साफ हो जाता है। हमारा TLM आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।